तो T20 स्क्वाड में रोहित शर्मा एज एन ओपनर एज ए कैप्टन होंगे, ये कोई सरप्राइज नहीं है, वो तो अब लिमिटेड ओवर्स के कप्तान हैं ही हैं। साथ ही इनके साथ ऋतुराज गायकवाड़ को एज एन ओपनर सेलेक्ट किया गया है इस T20 टीम में, और बहुत ही अच्छी बात है जब विराट कोहली जैसा लेजेंड रेस्ट पे गया हो। इसके अलावा ईशान किशन भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे और ये उम्मीद है कि विराट कोहली की गैर मौजूदगी में वो नंबर 3 का दारोमदार संभाल सकते हैं। सूर्यकुमार यादव पिछले कुछ समय से इंडियन लिमिटेड ओवर्स का हिस्सा तो है ही हैं और अच्छी परफॉर्मेंस से उन्होंने अभी तक सेलेक्टर्स को कभी गलत साबित भी नहीं किया। श्रेयस अय्यर भी अपनी जगह बचाने में फिलहाल अभी कायम रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको प्लेइंग 11 में यहाँ ज़्यादा मौका मिलेगा, क्योंकि ऋषभ पंत भी नहीं होने वाले हैं विराट कोहली के साथ साथ। वेंकटेश अय्यर एज एन ऑलराउंडर सेलेक्ट हुए हैं और जब से हार्दिक पांड्या ऑफ द रडार गए तब से वेंकटेश अय्यर को लगातार मौका दिया जा रहा है। और इसके अलावा दीपक हुडा को भी एज ए स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर के ऑप्शन पे जगह मिली है वेस्टइंडीज़ के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए, पर T20 में नज़र नहीं आए अभी तक। जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है T20 स्क्वाड में और एज अ वाइस कैप्टन भी है, तो ये प्लान क्लियर है कि वो इंडियन क्रिकेट के अगले टेस्ट और वनडे टीम के वाइस कैप्टन भी होंगे। इसके अलावा भुवनेश्वर कुमार अपनी जगह बचाने में कायम रहे हैं और उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की है T20 में फिलहाल। इसके अलावा दीपक चहर भी अपना जगह बचाने में कायम रहे हैं और शार्दुल ठाकुर चूंकि रेस्टेड है तो इनकी को भी लगातार खेलने का मौका मिलता रहने वाला है। इसके अलावा हर्षद पटेल एज अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर जगह है और T20 के स्पेशलिस्ट बॉलर है, केवल एक ही फॉर्मेट खेलते हैं और अभी तक इन्होंने भी निराश नहीं किया है। मोहम्मद सिराज चूंकि टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं बट फिलहाल अभी इनको लिमिटेड ओवर्स में ज़्यादा मौके दिए जा रहे हैं पिछले कुछ समय से और फर्दर प्लान्स में हैं ये। संजू सैमसन की टीम में वापसी हुई है पिछले साल के श्रीलंका दौरे के बाद से और ये कहा जा रहा है कि संजू सैमसन का शायद आखिरी चांस उनको दिया गया है। रविंद्र जडेजा की भी फिलहाल वापसी हुई और T20 क्रिकेट में फिलहाल वो वापसी करने वाले और बड़ी अच्छी खबर है सारे फैंस के लिए कि इतना अच्छा एस प्लेयर हमारी टीम में वापस है। युजवेंद्र चहल जो कि लेग स्पिनर हैं T20 वर्ल्ड कप के बाद से सेलेक्टर्स को रियलाइज़ हुआ कि इनकी वैल्यू क्या है और इन्होंने उसको कायम रखा है। इसके अलावा रवि बिश्नोई एज अ नेक्स्ट इंडियन लेग स्पिनर बन के उभर के आ रहे हैं, थोड़ा और वेरिएशन ऐड करेंगे तो ये परमानेंट मेंबर होने वाले हैं। कुलदीप यादव की भी अब फुल फ्लेज T20 क्रिकेट में भी वापसी हो गई और बहुत खुश होंगे कि एक साथ एक ही महीने में उनको तीनों फॉर्मेट में वापसी मिल गई है। आवेश खान को टीम में लिया गया, मैं थोड़ा निराश हूँ कि प्रसाद कृष्णा को मौका नहीं दिया गया, बट चलिए अच्छी बात है, कोई बात नहीं, यंग प्लेयर है, इन्वेस्ट करना ठीक है। क्रिकेट स्पोर्ट्स से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वेबसाइट विजिट करते रहें।